तो दोस्तों आज हम आ आगे अपने पोस्ट क्वेस्ट सिक्वेल के पार्ट सिक्स पे हम बिल्कुल वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पे हमने अपना पार्ट फाइव को एंड किया था पार्ट फाइव में हमने सीखा था सिलेक्ट और फ्रॉम क्वेरी हम कब और कहां पे लगाते हैं आज हम सीखने जा रहे हैं डिस्टिंक्ट हम डिस्टिंक्ट कब और कहां और कैसे लगाते हैं तो सबसे पहले तो मैं एक टेबल सेलेक्ट कर लेता हूं जैसे मुझे एक्टर टेबल को पॉपुलेट करवाना है कितना डेटा है ठीक है तो क्या करेंगे हम जी हाँ हम लिखेंगे एस एल ई सी टी सेलेक्ट के बाद पूरे के पूरे टेबल्स के कॉलम चाहिए तो मैं एक स्टार दे देता हूं और इसके बाद लिखता हूं फ्रॉम किससे दैट्स इट दबा के एग्जीक्यूट कर दीजिए तो आपके पास पूरे के पूरा डेटा आ गया अब आप देखिए यहां पे जो आपके रोज दिखा रहा है वो बोलता है कि टोटल रोज आपके दो सो है ठीक है क्या मैं समझ गया मगर मुझे ये जानना है फर्स्ट नेम हमारे कितने यूनिक नेम्स हैं मतलब

दबा के एग्जीक्यूट नहीं तो आप इसे भी प्रेस कर सकते हैं तो ये देखिए अब इसने फर्स्ट नेम के सारे डिस्टिंग वैल्यू आपको दे दिए और यहाँ पे अगर आप देखोगे 128 आपको डिस्टिंक नेम मिलेंगे मतलब यूनिक नेम मिलेंगे फर्स्ट नेम वाले कॉलम में ये तो रहा एक डिस्टिंक का एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं चलो मैं अब एक काम कर दू एक और दूसरा टेबल पॉपुलेट कराते हैं तो यहां पे मैं डिस्टिंग को हटाता हूं यहां पे मैं पूरे के पूरे टेबल को ले लेता हूं लेट्स टेक मैं स्टार लगाता हूं और यहां पे एक्टर की जगह हम लेते हैं एफ आई एल एम और मैं दबा के एग्जीक्यूट ठीक है जी ये मेरे पास एक फिल्म टेबल पॉपुलेट हो गया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला पूरे के पूरे टेबल को मैंने पॉपुलेट करवा दिया ठीक है अब मुझे बताना है फिल्म टेबल के अंदर रिलीज ईयर कितने हैं अब यहाँ पे मुझे 2006 दिख रहा है और यहाँ पे रोज देखिए हजार से ज्यादा है तो मैं नीचे करके थोड़ी ना देखता रहूंगा कि कितने ईयर है तो इससे हम क्या करेंगे यहां पे हम रिमूव करते हैं हम लिखते हैं डी आई आई एस टी टी एन सी किसमें अब मुझे किस में से ईयर देखना है मुझे देखना है आर ई एल ई ए एस ई रिलीज अंडर स्कोर ईयर वाले कॉलम से मुझे देखना है कितने रिलीज ईयर है मैं फाइव दबाता हूं तो ये देखिए उसमें जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है जो कि एक यूनिक वैल्यू है वो सिर्फ 2006 है तो इस तरीके से हम डिस्टिंग लगाते हैं अब आ जाता है चैलेंज क्वेश्चन तो चैलेंज क्वेश्चन क्या है ठीक है चैलेंज क्वेश्चन है हमें एक कंट्री टेबल पॉपुलेट करानी है यहां पे हमें कंट्री टेबल पॉपुलेट करानी है पॉपुलेट कराने के बाद मुझे देखना है कंट्री टेबल में कंट्री का डेटा कितना है मतलब कितनी यूनिक कंट्रीज अवेलेबल है अगर आप बोलेंगे कंट्री का टेबल कहा है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दू ये रहा मेरा कंट्री का टेबल तो आपको यहाँ पे टेबल पॉपुलेट करानी है उसमें से कंट्री कॉलम से हमें ये देखना है कि कितनी यूनिक कंट्रीज अवेलेबल है ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है अगर आप लोगों को आंसर मिल जाता है तो आप मुझे लिंकड में पिंग कर सकते हैं नहीं तो YouTube में भी आप मुझे सिंपल सिंपल अगर क्वेरी उठा के पेस्ट कर देंगे मैं तभी के तभी आपको बता दूंगा कि ये क्वेरी आपने सही लगाई है या नहीं तो इस तरीके से दोस्तों हम डिस्टिंक्ट लगाते हैं अपने सीक्वेल में आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गी गी। पसंद आ गई होगी आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत मत भूलना भूलना अपने कमेंट्स देना और इस वीडियो के जितना हो सके जो भी एसक्यूएल या पावर बी कुछ भी नॉलेज लेना चाहे माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड ये वाली वीडियो और ये वाले चैनल उनको जरूर शेयर करना आप लोगों ने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में